पीलीभीत में अवैध संबंधों के इस चक के चलते एक पति पर अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मायके में रह रही पत्नी से मिलने पति पहुंचा था और गन्ने के खेत में ले जाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पति फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बताया जा रहा है कि थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव बरी की रहने वाली जयवंती की शादी 11 साल पहले पड़ोस के गांव के रहने वाले मूलचंद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मूलचंद शराब का आदी हो गया और पत्नी के शराब के नशे में मारपीट किया करता था। 5 साल पहले जयवंती अपने मायके आकर पिता के पास रहने लगी। आरोप है कि पत्नी के मायके रहने पर मूलचंद गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से अवैध संबंधों का शक करने लगा। साजिश के तहत मूलचंद कुछ रोज पहले अपनी पत्नी के पास ससुराल आ गया। आरोप है कि देर रात मूलचंद जयवंती को बहाने से गन्ने के खेत में ले गया और गला घोटकर हत्या कर दी और हत्या कर फरार हो गया। आज विवाहिता का शव गन्ने के खेत में मिला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। पति के गायब होने पर मृतका के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और जल्द वर्कआउट की बात कह रही है। बाबा क्या मामला हो गया था, क्या घटना हुई? अरे बेटा क्या बताऊं, मौत उसकी कर दी लंदन पति ने उसकी। कैसे मार दिया, कहाँ विवाद हुआ? गला घोट दिया। अच्छा, रात में बराबर सोते रहे। अच्छा, हमको पता नहीं चला। फिर कहाँ मिला, कहाँ मिली? जे खेत मिली है थोड़ी दूर। घोटा क्यों गला, क्यों, क्या वजह थी? तुम घोटा गला क्या वजह थी? ये तो सब वो बतावे भैया, क्या पता क्या करता। हम तो लड़की अपने घर पे रखते थे, वो दस दिन से यहाँ पड़ा है, खा रहा है, काम कर रहा है थोड़ा बहुत। ससुराल क्यों नहीं रहती थी लड़की? ससुराल तो इसने सब जायदाद बेच के शराब पी ली, कोई खाने पीने का चारा रहा। तत्काल मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। महिला के जो पति हैं उन्हीं पे आरोप है कि उन्होंने अवैध संबंधों के शक के आधार पे गला दबा के हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मृतका हैं उनके पति की गिरफ्तारी के लिए थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। सर, कोई जानकारी मिली गन्ने के खेत में कैसे पहुँची? अब वो घर के पास ही में था, रात में वो शराब पी के झगड़ा भी हुआ था। अब झगड़ा के दौरान फिर वो वहाँ ले जा करके उसकी हत्या।